बजाना काय को बंद किया? आदमी को जब तक होश आता है वो ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकलता है और उसको फैमिली से एक प्रेशर होता है, बेटा नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। और आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आसपास देखा है, एक नौकरी वाला आदमी हमेशा ज़्यादा करके बसों और ट्रेनों में होता है। ज़िंदगी के 35-40 साल एक ऐसी कंपनी को देता है जिससे उसको कुछ आगे मिलना नहीं है। लाइफ हैज़ नो गारंटी। तिरुमला तिरुपति को अगर मैं कंपेयर करूं जॉब से, पहली बात तो ये आज़ादी का बिजनेस है, यहाँ आप अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे मैंने पिताजी को देखा था बचपन में, वो सोते थे मैं स्कूल जाता था, जब मैं स्कूल से आता था वो घर पे नहीं होते थे, बिकॉज यूज टू वर्क फॉर मी। मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया मैं 4-5 साल समझदारी से एक ऐसा बिजनेस करूँ, 4-5 साल सिस्टम के लिए काम करूँ, फिर जिंदगी भर वो सिस्टम मेरे लिए काम करे, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। So, comparing with job and any other traditional business, this is the perfect business for you all. In your chant all over the place, sing it. We will rock you. We will rock you. Je prends le métro, encore 10 minutes, je suis au bout.
तिरुमला तिरुपति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि हम यहाँ से लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है, उस सेविंग्स जिन्होंने हमारे साथ की होती है, हम किसी जिसको भी वो फंड की ज़रूरत है हम उसको फंडिंग करते हैं, उसको लोन देते हैं। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मंथ में हमने 20 से 22 ब्रांचेस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस क्रिएट करना, हमने थर्ड महीने में ही 20-21 ब्रांचेस खोली थी। हर आने वाला बंदा है वो इक्वल पार्टनर है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हम उसी हिसाब से काम करते हैं। एडवाइज़र का मतलब है पार्टनर, एडवाइज़र का मतलब है उसका और मेरे लेवल में सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ आज और कल का फ़र्क है। मतलब मैं पहले जुड़ गया, वो बाद में आ रहा है। आज से 10 साल के बाद भी आने वाले एडवाइज़र के लिए अपॉर्चुनिटी इतनी ही ओपन है जितनी आज हमारे लिए ओपन है। घर में एक फैमिली जब भी होती है तो एक जो लेडी होती है वो अपने घर में अगर वो 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये में से 10 रुपये बचाती है, वहाँ से सेविंग शुरू होती है। और हम भी उसी तरीके पे काम करते हैं कि आपके पास अगर 10 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, आप सेविंग करना चाहिए। सेविंग का मेन हमारा जो मकसद है कि वो लोग सेविंग करें और उनको एक टाइम ऐसा आए कि उनको कहीं पे लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आज आधी से ज़्यादा जनता है कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में जितना भी काम करिए उसका 40-50% उनका EMI लोन्स में जाता है और वो इसको भरते 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 सारी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है।